रेंगस के प्राचीन श्री श्याम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर विशेष आयोजन किया गया। श्री श्याम मंदिर के सेवक मानदास, भवानी सिंह, महेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, राहुल सिंह ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया एवं दरबार की भव्य सजावट की गई। वहीं देर रात तक मंदिर परिसर में भजनामृत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्याम बाबा के भजनों से सरोबार भजनामृत कार्यक्रम में भजनों का लुत्फ उठाया। श्याम मंदिर कमेटी के भंवर सिंह, रेवत सिंह, युवराज सिंह, विक्रम सिंह, विजय सिंह, गजेंद्र सिंह ने बताया कि श्याम मंदिर कमेटी की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन सुव्यवस्थित ढंग से करवाए गए। वहीं चौम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में रात 12 बजे जन्मोत्सव के साथ ही भगवान की आरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। देर शाम पुरोहितों के मोहल्ले स्थित बांके बिहारी मंदिर से कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बस स्टैंड, थाना मोड़, धोली मंडी, सुभाष सर्किल होते हुए निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं शोभा यात्रा में हनुमान, सीता व कृष्ण की मनमोहक झांकी सजाई गई। चौमू तहसील के मलिकपुर ग्राम पंचायत भवन में राजीव गांधी जयंती के अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन एक दिवसीय ग्राम सर्वोदय संवाद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सरपंच सुनीता यादव के सानिध्य में आयोजित किया गया। ग्राम सर्वोदय संवाद का ये कार्यक्रम पीसीसी सचिव एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण प्रभारी जसवंत गुर्जर तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सीवी यादव के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत के संघर्ष की कहानी एवं सर्वोदय तक कब तक पक्ष के विचारधारा के संघर्ष को वीडियो तथा पीपीटी के माध्यम से प्रोफेसर सीबी यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें ये बताया गया कि आज लोकतंत्र के सामने जो संकट खड़े हैं उनका कारण आज़ादी की लड़ाई के संघर्ष में विचारधारा की संघर्ष को स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। परीक्षण में पीसीसी की ओर से विकास बुडानिया एवं अनिल मूड ने भी अपने विचार रखे। परीक्षण शिविर में क्षेत्र के प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, चौमू नगर पालिका के कई पार्षद, किसान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गाँव के कई गणमान्य व्यक्ति तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। चौमू नगर पालिका द्वारा आज नगर के मुख्य मार्गों एवं गौशालाओं में फॉगिंग करवाई गई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बताया कि गोवंश में लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन के आदेशों की पालना में फॉगिंग करवाई गई। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर मौसमी बीमारियों की रोकथाम के चलते फॉगिंग करवाई गई है। चौमू शहर के मोरिजा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय गोठवाल भवन पर पूर्व विधायक भगवान साय सैनी व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक सैनी ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत के लोगों को 21वीं सदी का सपना दिखाया था। गांधी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संबद्ध उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन बढ़ाया और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों, विशेष रूप से कंप्यूटर, एयरलाइंस, रक्षा और दूरसंचार पर आयात कोटा, करों और शुल्कों को कम किया। भारत में कंप्यूटर और संचार क्रांति का श्रेय राजीव गांधी को ही जाता है। स्वर्गीय गांधी का मानना था कि देश की युवा पीढ़ी को आगे ले जाना है तो उसके लिए कंप्यूटर और विज्ञान की शिक्षा जरूरी है। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नानकराम लामा, अध्यक्ष कृष्णकांत जोशी, सेवादल के ललूराम सैनी सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।